हेलो दोस्तों, यह सरफाबाद ब्लेज सेक्टर 73 नोएडा। वीडियो चालू कर दिया अभी हमने, ठीक है। पता नहीं वीडियो कैसा शूट होगा क्योंकि हमने पॉकेट में डाल लिया है। देखते हैं कैसा शूट होता है वीडियो। अभी मैंने पॉकेट में मोबाइल डाल दिया है। अब वीडियो बनती है कैसी बनती है, अच्छी बुरी पता नहीं, जो भी है। एनीवे वीडियो अगर हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये देखिए, ये है ईस्ट एवेन्यू सेक्टर 73 नोएडा। ये है राघव ग्लोबल स्कूल। ओके दोस्तों, ये है नोएडा 122 122। पचास का दो किलो लहसुन। ये फर्नीचर मार्केट है, लोकल फर्नीचर मार्केट। वीडियो को हमारा का सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त पंडित ब्लॉगर। कीच खासड़ हो गया है यहां पे, देख लीजिए। चार पांच दिन से बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग। देख लो। हमारा ब्लॉग पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो। ये यहाँ का ग्लोबल स्कूल है दोस्तों। ये बिल्डिंग क्या मस्त लग रही है। यह है पारक। देखो सामने था सेक्टर 73 सरफाबाद गांव, ठीक है। हम सरफाबाद गांव से दोस्तों लिखड़ के। कैमरा बार बार कैसा हो रहा है, फोकस मांग रहा पता नहीं। अब हम दोस्तों यहां पे इतने आ गए, हम आ गए सेक्टर 120 में। सेक्टर 120 में घुस रहे हैं हम नोएडा में। सेक्टर 120 का मार्केट आ रहा है ये। वाह, सामने की बिल्डिंग है प्रतीक लॉरियल है, देख रहे होंगे आप। प्रतीक लॉरियल की बिल्डिंग है सामने, और ये काफ़ी चौड़ा एकदम 500 फीट पर रोड है। देखना दोस्तों, पता नहीं कैमरा में बार बार क्या हो रहा है। ये हमारा कैमरा बार बार रुक जाता है, कि फोकस पता नहीं। फोन तो मेरा अच्छा है वैसे, 60,000 रुपये वाला है, इससे वीडियो बनाता हूँ मैं दोस्तों। ये है प्रतीक लॉरियल। इसमें हम पहले रहते थे 2014 में। रेंट पे था हमारे यहाँ पे, 20,000 रुपये किराया था बस। यहाँ से हमने खाली कर दिया था, फिर हमने जो है यहाँ से दूसरी कॉलोनी में ले लिया, मतलब दूसरी बिल्डिंग में घर खरीद लिया है अपना। जो 60 लाख में फ्लैट पड़ा था हमें 3 BHK का, जो कि सन 2015 में लिया था हमने। इसमें लिया था, ये देख रहे हैं RG रेजिडेंसी। RG रेजिडेंसी।